जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स के ऊपर सवालिया निशान लगना उसी समय शुरू हो गए जिस समय जेके पीएसआई के जब एग्जामिनेशन हुए उसके बाद एस्पिरेंट सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंस है कि इस एग्जाम में धांधली हुई है। उसके बाद उस एग्जामिनेशन को स्क्रैप भी किया गया और ये मालूम चला कि इंक्वायरी चल रही है एफएए के मामले में भी, जेई जल शक्ति के मामले में भी, और उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के वो एस्पिरेंट्स जो 2020 में भी सड़कों पर उतरे थे जिस समय एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया था, सिलेक्शन लिस्ट आई थी, उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि इस लिस्ट में धांधलियां हुई हैं, इस रिक्रूटमेंट में धांधलियां हुई हैं। वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स भी दोबारा सड़कों पर आए, उन्होंने कहा अगर एक मामले में धांधलियों का शक शुबा होता है और सरकार इंक्वायरी ऑर्डर करती है तो इस मामले में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मामले में इंक्वायरी क्यों नहीं। उसी को लेकर जो है मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर गगन प्रताप सिंह है, इनका ये कहना है कि इस मामले में भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। गगन जी आपसे जानना चाहूंगी कि 2020 का ये मामला है जिस समय एग्जाम हुआ, सिलेक्शन लिस्ट आए और उसी समय जो लोग लिस्ट में आए वो भी ज्वाइन भी कर चुके हैं डिपार्टमेंट में, वो काम भी कर रहे हैं अपना डिपार्टमेंट में, तो इस समय इस रिक्रूटमेंट को दोबारा खदेड़ के बाहर लाना और ये कहना कि इसमें दोबारा से अब इंक्वायरी होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए, क्यों? पल्लवी जी देखिए, जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट घोटाला है जम्मू कश्मीर का। कहानी अगर बहुत पहले से शुरू होती है, अगर मैं थोड़ा सा इसका आपको सिनॉप्सिस जो है थोड़ा देना चाहता हूँ ताकि एक ब्रीफ हो जाए है क्या मसला। 2013 में जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने 696 पोस्ट की एडवर्टीजमेंट निकाली थ्रू द डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें से फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की नियुक्ति होनी थी। 2013 में इनका फिजिकल टेस्ट पहले हुआ, इसमें 60,000 के करीब जम्मू कश्मीर से युवाओं ने इसमें भाग लिया, अपने आवेदन पत्र लगाए, और 2013 में इनका पहले फिजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद इनका रिटन एग्जाम हुआ, और प्रक्रिया जो है वो 2014 तक चली गई क्योंकि 2013 के एंड में ये नोटिफिकेशन निकला था। अब 2014 में आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लड्स आए और पूरा जो अर्शवेल स्टेट है ये बाढ़ की चपेट में आ गया, तो इनका वाइवा वोचे जो आपका इंटरव्यू है वो नहीं हो सका। उस समय में इंटरव्यू हुआ करते थे क्लास 3-4 के लिए, अब नहीं होते हैं। तो 2014 में फिर इलेक्शंस भी हो गए, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए, और 2015 में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई। अब 2016 या 17 में जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर थी तो उस वक्त के डीजी जो JKFNES उनकी रिपोर्ट के आधार पे इसके इंटरव्यू को रद्द कर दिया गया और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया सरकार के द्वारा। अब 60,000 कैंडिडेट्स में से 14,000 लोग शॉर्टलिस्ट होकर आए हुए थे, उनमें एक रिजेंटमेंट हो गई, ये इतनी पूरी मेहनत करी और 3-4 साल के बाद उनको पता लग रहा है कि ये रद्द किया जा रहा है एग्जाम, वो लोग चले गए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि आप इनका जो है इन 14,000 लोगों का दोबारा से फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम करवाइए, निर्देश दिए सरकार को। अब होता क्या, सरकार अनाउंसमेंट करती है बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट कि ये सारा जो रिक्रूटमेंट होगी ये टीआरपी के थ्रू होगी, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू, और वो एक कंपनी को हायर करती है जिसका नाम है टाइमिंग टेक्नोलॉजीज, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो एग्जाम करवाती है। बच्चों का फिजिकल टेस्ट होता है, 7,000 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, 14,000 में 7,000 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं और एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद ये एलिगेशन लगाई जाती है कि इस पेपर में बड़े पैमाने पे मास कॉपिंग हुई है और अनफेयर मींस का, गैजेट्स का, मोबाइल फोन्स का यूज हुआ, यहां पे पढ़ा भी हो अखबार में, काफी चर्चा चली थी उन दिनों। तो ये अब कैंडिडेट्स फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कुछ एग्रीव्ड कैंडिडेट्स, और हाईकोर्ट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देती है कि इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाए और इसकी प्रोब की जाए। गवर्नमेंट जो है कमेटी बनाती है, उसका गठन करती है, श्री शालीन काबरा जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे उनकी हेडशिप में वो कमेटी बनती है और उसकी जांच पड़ताल होती है, और कमेटी ये इसमें पाती है, वो जांच में वो दे फाउंड दैट देयर वाज द मास कॉपिंग, द केस ऑफ मास कॉपिंग इन दिस एग्जामिनेशन, अपनी उस वो कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपती है और एक बार फिर से जो है वो एग्जाम रद्द हो जाते हैं। बड़ी बात यह है पल्लवी, इसमें 7 साल की पूरी प्रक्रिया में इसमें 3 बार घोटाले हुए, पहली बार भी सरकार ने माना, दूसरी बार भी सरकार ने मान लिया कि इसमें घोटाले हुए, रद्द हो गई। अब प्रक्रिया चलते चलते 2020 में पहुंचती है। नाउ यहां पर जो है ये कर्टन रेजर है, 2020 में सरकार एक और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करती है, टाइमिंग टेक्नोलॉजीज को, एक नई कंपनी को हायर करती है जिसका नाम है LMES।
इनका इस बार फिजिकल टेस्ट नहीं होता, सीधा एग्जाम होता है और घोटालों के यहां रिकॉर्ड टूट जाते हैं। 20 सितंबर 2020 को इनका एग्जाम होना था 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। एक दिन पहले मतलब 19 सितंबर 2020 को पेपर लीक हुआ, पेपर बिका लाखों में। इसके कोई सबूत भी आए? क्योंकि अगर जो इंक्वायरी कमेटी है कोई अगर बैठती है या उसके अलावा अगर सरकार को कोई डिसीजन लेना है तो अक्सर सबूतों की बुनियाद पर होता है, किसी ने कह दिया कि भाई पेपर बिका है तो नहीं मान लिया जाता, कोई सबूत भी रहे हो? बिल्कुल, हमारे पास कंक्रीट एविडेंसेस भी है, मैंने उसका खुलासा भी किया था, एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगा। एक कैंडिडेट है इसमें, उसने ये अब एक एफिडेविट एक हलफनामे में इसका खुलासा कर दिया है कि उसने खुद भी जो है 50,000 रुपया एक ब्रोकर को दिया 19 तारीख को और उससे पेपर प्रोक्योर किया। और उसके बाद ये उसने अभी एक एक मतलब एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी हैं। तो और उसने अपने साथियों के साथ हाउस बोर्ड के अंदर एक दिन पहले मास कॉपिंग हुई, मतलब उसकी प्रैक्टिस की गई इस पेपर की एग्जामिनेशन की। और उसके ये उसका एफिडेविट है, ये उसका एफिडेविट है और उसमें उन लोगों को बिना उस नाम लिए जिनको पेपर बेचे गए और वो लोग भी सिलेक्ट लिस्ट में आ गए, उनकी वो नौकरियां कर रहे हैं अभी। और उसने ये भी कहा है कि ही इज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार है। जब देर से आए दुरुस्त आई, अगर वो इसको कबूल करता है तो आई थिंक ऐसे लोग सामने आने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को पर्दाफाश। लेकिन क्या समझते हैं 2020 में जब इस बात का खुलासा हुआ कि इस मामले में स्कैम हुआ, उसके बाद जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कई जो है प्रदर्शन भी किए थे और एस्पिरेंट्स ने भी बड़ी कोशिश की थी कि इस मामले में भी कोई इंक्वायरी होती, इन्वेस्टिगेट किया जाता कि स्कैम है या नहीं है। तो क्या समझते हैं कि 2020 में उस समय भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही प्रशासन था जम्मू कश्मीर में, कोई चुनी हुई सरकार तो थी नहीं, उस समय भी फैसला लिया जा सकता था इंक्वायरी करने का, लेकिन लिया नहीं? बिल्कुल, अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये एग्जाम सितंबर 2020 में हुए थे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था मनोज सिन्हा जी थे, क्योंकि वो साथ मेरे ख्याल से अगस्त महीने में यहां पर आए जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये बच्चे हर जगह भागे, दीज ऑल एस्पिरेंट्स यू नो दे रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एवरीवेयर, आई मीन क्राइम ब्रांच में ये गए, पुलिस में ये गए, ब्यूरोक्रेट्स के पास ये गए, बहुत सारे इन्होंने मेमोरेंडम्स दिए जैसे मुझे उन्होंने बताया, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। अब ये क्यों फिर दोबारा रिसरेक्ट हुए हैं, क्यों वो सामने आ गए? क्योंकि इनको इनके उम्मीद की किरण इनके दिल में जागी है, क्योंकि जेके पी एस आई का स्कैम सामने आया और इसी बेस पे हुआ था, इसमें मास बड़ी स्केल पे धांधली हुई है और एक एक परिवार के चाचा सदस्य भी लगे, इसमें भी कुछ केस ऐसा ही है। तो ये देखते हुए कि इस एग्जाम की बिल्कुल इसी एनालॉगी के ऊपर ही ये एग्जाम एसआई में कहा जा रहा है कि एक ही रीजन से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो इसमें भी यही बहुत ज्यादा बड़गाम में अखबारों में था कि बड़गाम के एक कुंभा मतलब एक गाँव से कितने सारे लोग सिलेक्ट हो गए थे, ये तो न्यूज में भी था और ये प्रूफ लेके आए हैं। तो इनको एक आशा की उम्मीद एक किरण है, एक उम्मीद है कि अगर जेके पीएसआई वालों के लिए सीबीआई इंक्वायरी का निर्देश दिया जा सकता है सरकार द्वारा, तो इनके लिए भी ऐसा होगा। इन क्या समझते हैं कि सरकार की जहां तक एसआई की बात है, एसआई के मामले में इंक्वायरी हुई और सीबीआई प्रोब ऑर्डर कर दिया गया, अब एफआईआर के मामले में सुनने में उसके बाद यही आया सूत्रों के द्वारा कि इमीडिएटली एसआई के बाद ही एफआईआर में और जेई सिविल जल शक्ति में इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई थी, रिकॉर्ड मंगवा लिया गया था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। इसके मामले में भी तो बच्चे सड़कों पर उतरे, इसके मामले में भी जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन इस मामले में क्या लगता है कि क्यों सरकार की नजर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मामले में नहीं पड़ रही? क्या ये कारण समझते हैं कि जो सरकार है वो नहीं चाहती कि जिन मामलों में बच्चे लग गए, लोग जो है सिलेक्ट हो गए, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब वो रिक्रूटमेंट दोबारा से अगर आप खंगालना शुरू करते हैं तो फिर तो लिस्ट बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है। देखिए कहते जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर उन जेके पीएसआई के बच्चों वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद है तो इन बच्चों को भी उम्मीद है। और एक सरकार के लिए बच्चे समान होते हैं, एक माँ के लिए सारे बेटे समान होते हैं, अगर आप उनको इंसाफ दे रहे हैं तो इनका हक भी बनता है इंसाफ, इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। अभी सबको भी सारे बच्चे आ गए और देखिए 7 साल के अंदर 3 बार घोटाले हुए हैं और सबसे बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है ये, जेके पीएसआई से बड़ा स्कैम है। तो इसके अंदर अब क्या देखिए, एक और तथ्य हमने इसमें एक की हमें पुष्टि हुई कि जो पिछली वाली कंपनी थी टाइमिंग टेक्नोलॉजीज, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो शख्स, और जो नई कंपनी दूसरी कंपनी है उसका जो डायरेक्टर वो एक ही है जिन्होंने एग्जाम जो ही ओनर ऑफ द कंपनी, उसका नाम एक ही है, वो एक ही आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे संकेत ना एक ये इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ना करप्ट पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स और एजेंसी का नेक्सस है जिसका भंडाफोड़ होना चाहिए। और मजे की बात यह है पल्लवी, 20 सितंबर 2020 को इनके एग्जाम होते हैं, 3 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट आता है और 696 लोगों की सिलेक्ट लिस्ट आ जाती है और 3 दिन के अंदर उनको उनकी अपॉइंटमेंट होती है, यू नो आनन फानन में विदाउट एनी पुलिस वेरिफिकेशन, उसका भी ऑर्डर हमारे पास है। और कहा यह भी जा रहा है कि अब इसमें देखिए 7,000 बच्चों में
दसवीं के बच्चे भी थे, आठवीं के बच्चे भी थे, बीए भी थे, एमए भी थे, एमफिल भी थे, पीएचडी भी थे, और कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, कि पेपर का स्तर इतना मुश्किल था, उसे इतना डिफिकल्ट था कि उसको पास करना आसान नहीं था। जो लोग पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड थे ना, बीए एमए एमफिल, उनके 60% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं, और जो आठवीं के बच्चे हैं, दसवीं के बच्चे, जिन्होंने 10 साल पढ़ाई छोड़ दी हुई थी, उन्होंने लिए 95% मार्क्स, 90% मार्क्स, 96%, मतलब सारे के सारे हो गए हैं। और हमारे पास एक सिलेक्ट, ये देखिए सिलेक्ट लिस्ट, इसका एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास है, ओपन मेरिट का आरबीए का, एक एक परिवार से चार चार बच्चे हैं, एक एक परिवार से। इंगन जी क्या समझते हैं कि अगर एक एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जिसको भी लेकर अगर एस्पिरेंट्स सब इल्जाम लगाते कि इसमें भी धांधली हुई हो सकती है, इसमें भी धांधली हुई हो सकती है, इसमें एजेंसी वही थी जिसने बाकी एग्जाम्स भी कराए, इसमें ये चीज वही थी, इसमें वही चीज वही थी, कितनी रिक्रूटमेंट सब पीछे जाते हुए 2016, 17, 18, 19, 20, 21 कितनी रिक्रूटमेंट में फिर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, और फिर जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सरकारी मुलाजमत के लिए फॉर्म भरते हैं, उनमें तो एक ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट अब डेवलप हो गया है कि अब सरकारी मुलाजमत के लिए अप्लाई ये सोच कर करते थे कि कम से कम स्टेबिलिटी है, यहाँ तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की स्टेबिलिटी का मालूम नहीं। इट्स अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग बेसिकली, आपकी बात बिल्कुल सही है, पता नहीं नीचे कितना कितना बुरा हाल है, लेकिन इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, इन्हीं युवाओं ने आपको सरकार में, हम देखिए केंद्र सरकार जो बनी है, बीजेपी की सरकार जो आई है, युवाओं के पीछे आई, इन्होंने आपको वोट दिए, और अब सरकार का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, और एलजी प्रशासन का भी दायित्व बनता है, इन लोगों बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। दे द स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे द पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, इनको हक नहीं मिलना चाहिए? अगर एक को हक मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए। स्कैन कीजिए आप, आपका दायित्व, दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट एब्डिकेट फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाग नहीं सकते इससे, ये आपका फर्ज बनता है। और हाँ, चीफ सेक्रेटरी जी का भी बयान आया 2-3 दिन पहले, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी का, उन्होंने खुद कहा, और मैं प्रशंसा करता हूं उनके बयान की, उन्होंने खुद कहा जिस एग्जाम में धांधली होगी या धांधली पाई जाएगी उसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, और उन्होंने कहा था कि जो नौकरी है ये बाजार में बिकने वाली चीज नहीं, और योग्यता ही मापदंड है, उन्होंने कहा था जो मेरिट है इट शुड बी द यार्ड स्टिक फॉर द अपॉइंटमेंट, उन्हीं की कथन में बयान कर रहा हूं, और उन्हीं को मैसेज क्लियर देना चाहता हूं मैं एलजी साहब को भी आपके माध्यम से, और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, यू नो, अब आपका आप प्रूफ कीजिए व्हाट यू हैव सेड, ये प्राइमा फेशी हमारे पास है, और बहुत जल्दी हम आपको मिलने वाले हैं, विल सबमिट दिस डिटेल मेमोरेंडम टू लेफ्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ सेक्रेटरी, बोथ ऑफ देम, और इसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये भी बताएं कि डिपेंडेंस कंप्लीटली सरकार के ऊपर क्यों है, अगर स्कैम हुआ है, अगर धांधलियां हुई हैं, अगर पैसा देकर जो है पेपर खरीदा गया है, तो क्राइम ब्रांच के पास या जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, इनके पास जाकर क्यों नहीं अप्रोच किया जाता है इन एस्पिरेंट्स के द्वारा कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेट करें, कहीं पर पैसा दिया गया है पेपर खरीदने के लिए, थिंग्स दैट आर इलीगल, उसे तो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, कंप्लीट डिपेंडेंस सरकार के ऊपर क्यों है? देखिए ये एस्पिरेंट्स, सारे के सारे कैंडिडेट्स हर जगह भागे हैं पल्लवी, नहीं हुई सुनवाई इनकी, अब बेंचमार्क बना है जेके पीएसआई का स्कैम, उसमें सरकार ने कदम उठाए हैं, ये लोग फिर वापस आए हैं कि हक इनको मिलना चाहिए, बात ऐसी है, और आपकी बात भी सही है, आप कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हो, एक इस बार जेके पीएसआई के समय में इन्होंने एक मेरिट ट्रैक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, और पता था कि ये कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड है, तो फिर इस कंपनी को क्यों हायर किया गया? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, इट नीड्स अ थॉरो प्रोब, एंड आई एम श्योर आम आदमी पार्टी श्योर दिस ऑब्नॉक्शियस नेक्सस बिटवीन द करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज, दिस हैज टू बी बस्टेड, इसको बस्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, हम किस किस्म का निजाम बना रहे हैं, हम किस किस्म का समाज बना रहे हैं, और युवाओं को हम क्या संदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं संदेश? दिस इज द गवर्नमेंट यू वोटेड फॉर, क्या इसलिए यूटी बनी थी, क्या जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आपने इसलिए एब्रोगेट किया था ताकि यहां पर माफिया पनपे, हर किस्म का माफिया पनप रहा है, लिकर माफिया यहां है, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, नाउ रिक्रूटमेंट माफिया, व्हाट अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ यू नो, दिस इज डायोपिया, ये कैसा निजाम है? तो हमारी सरकार से अपील है, इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो आम आदमी पार्टी इन सब बच्चों से मिलकर, पूरे यूथ से मिलकर युवा आंदोलन छेड़ेगी, और उसका जो पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि आम आदमी पार्टी का ये विचार है कि अगर चीफ सेक्रेटरी ये कहते हैं कि जिन भी मामलों में धांधलियां हुई हैं उन सभी मामलों में सीबीआई प्रोब होगा, तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मामले में क्यों नहीं? और साथ ही में इनका ये कहना है कि एक रैकेट जैसा बन चुका है करप्ट पॉलिटिशियंस के बीच में और ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज के बीच में, जिस रैकेट के कारण ये हालात बन चुके हैं जम्मू कश्मीर में कि रिक्रूटमेंट कोई भी होती तो जरूर है, प्रोसेस इनिशिएट तो किया जाता है, लेकिन या तो रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हो पाती, और अगर रिक्रूटमेंट मुकम्मल होती है तो उसमें धांधलियों के इल्जाम लगते हैं।